आदरणीय महाराज, आपको जानकारी है पूरी दुनिया कपड़े चीन से खरीदा करती थी, खास तौर पर जो सूट बूट के कपड़े हैं, जो हमारे यहाँ शादियों में ऑफिस में पहने जाते हैं कोट पैंट, उनके कपड़े चीन से दुनिया खरीदा करती थी। खास तौर पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देश, सर्दीले देश, बड़े पैमाने पर अपने ये टॉप क्लास कपड़े, महंगे कपड़े जिनमें प्रीमियम ज्यादा होता है, वो चीन से खरीदा करते थे। लेकिन दोस्तों, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब सूट बूट के कपड़ों के क्षेत्र में भी लागू हो रही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। गोरे देशों को चाइना का विकल्प चाहिए, तो भारत में सूट बूट के कपड़े बनाने वाली सबसे दिग्गज कंपनी रेमंड अपनी कैपेसिटी को 30% बढ़ा रही है। रेमंड के बारे में आगे का डिस्कशन करने के पहले मेरा आपसे सविनय आग्रह है कि कृपा करके मेरी बात सुनकर रेमंड में निवेश मत कीजिएगा। ये कार्यक्रम शिक्षात्मक है। मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को निचले लेवल पर रेमंड रिकमेंड किया हुआ है, तो आप रेमंड, मेरी बात सुनकर मत खरीदिएगा, मत खरीदिएगा श्रीमंत। रही बात रेमंड की, तो ये अमेरिका, ब्रिटेन एवं कनाडा में सप्लाई बढ़ा रहा है, ऑर्डर्स झमाझम मिल रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धंधा अपने आप बढ़ेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गारमेंट सप्लायर बनने जा रहा है रेमंड। अब आपका कहना हो सकता है कि रेमंड के प्रमोटर की पारिवारिक समस्याएं हैं, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो एक जेन्युइन इश्यू है। अगर वो आपकी आंखों की किरकिरी है, तो आपके हिसाब से रेमंड खराब स्टॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धंधे के हिसाब से, भारत के हिसाब से भारत का धंधा बढ़ रहा है, क्योंकि कपड़े के निर्माण में रोजगार मिलते हैं बड़े पैमाने पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना सिर्फ रेमंड एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि देश भर में करीबन 100 से अधिक स्टोर्स खोल रहा है, जिसमें एथनिक कपड़े बेचे जाएंगे। अमेरिकी लोग तो सूट बूट पहनते हैं, हमारे यहाँ के लोग शेरवानी पहना करते हैं, तो कुर्ता पजामा, शेरवानी इत्यादि भी बेचेगा बड़े पैमाने पर रेमंड। और रेमंड के लाइफ स्टाइल का ये जो पूरा बिजनेस है, वो टिमर्ज हो रहा है, फ्री में शेयर मिलेंगे, इस बात की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। रेमंड भारत का एकमात्र इस समय उपलब्ध लीगेसी इंडस्ट्रियल ग्रुप है, जो कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर मिलता है। यही कारण है निचले लेवल पर हमने रेमंड रिकमेंड किया हुआ था। अब आपका कहना होगा कि अरे यार देवेश, रेमंड तो बहुत चढ़ गया, अब मैं ऐसी ही कोई रिकमेंडेशन आगे भविष्य में तुम कैसे दे सकते हो? तो दोस्तों, आपकी सेवा में तत्पर होने के लिए 24 घंटे 7 दिन मैं तैयार खड़ा हूँ। आप बस मुझे अपनी सेवा का एक परम सौभाग्य दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके मेरा क्लाइंट बन जाने का कष्ट उठाइएगा महाराज।